सो दिस इज रियल कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल प्रोजेक्टर। और डब्बे पे भी टैगलाइन दे दी, फन टुगेदर एंजॉय टुगेदर। तो येबर ब्रांड का पीको T1 प्रोजेक्टर है, देखने में मोबाइल लग रहा है लेकिन है DLP प्रोजेक्टर। नेटिव रिजोल्यूशन इसका 540p है, 1080p ये सपोर्ट करता है, 0.52 इंच इसकी थिकनेस है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मोबाइल जैसा लग रहा है। यार ये काफी कमाल का प्रोडक्ट है, मैंने इतना यूज कर लिया कि इसकी डब्बे की हालत देख लो। वैसे देखने तो अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आए हो। बॉक्स के अंदर एक प्रॉपर बैग, वैसे फील भी प्रीमियम है। बोल दो यहाँ पे भी येबर की ब्रांडिंग। ओपन किया तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ केबल्स एंड पावर बैंक मिल रहा है। पावर बैंक का मतलब यहाँ पे ये है कि ये प्रोजेक्टर पावर बैंक पे भी रन करता है। 10,000 mAh की कैपेसिटी है एंड ये है इसकी चार्जिंग केबल और ये है इसकी HDMI to mini HDMI केबल। वो इसलिए क्योंकि ये है अपना प्रोजेक्टर जिसपे आपको मिनी HDMI पोर्ट मिल रहा है, बाकी अभी बाद में देखेंगे। देन इस कंपार्टमेंट में दो केबल, एक Type C to Type C एंड दूसरी Type A to Type C। अब ये दो केबल इसलिए कि आपके एडेप्टर में मिल रहा है Type C पोर्ट और पावर बैंक पे है Type A पोर्ट, दोनों से चलाना पड़ेगा ना। बाकी ये प्रोजेक्टर वाया वायर कनेक्शन आपके फोन, टैबलेट, पीसी से भी कनेक्ट हो जाता है, बस आपके डिवाइस में Type C कास्टिंग सपोर्ट होना चाहिए। देन यहाँ पे इसका ये छोटा सा रिमोट जिसपे नेविगेशन की, पावर ऑन ऑफ, बैक की एंड वॉल्यूम बटन। छोटा सी CMOS वाला सेल डलता है, बहुत लाइट वेट है बट बिल्ड क्वालिटी अगेन प्रीमियम। देन एट लास्ट इसका मैग्नेटिक ट्राइपॉड। तो कुछ नहीं करना, प्रोजेक्टर को इसके ऊपर रखना है और ये हो गया माउंट, गिरेगा नहीं है। और इसके लेग्स ऐसे खुल जाते हैं, प्रोजेक्टर को आप कैसे भी रख सकते हो। सारी बातें हो गई, प्रोजेक्टर पे आते हैं। तो देखो पावर बैंक का और इसका साइज सेम है और हम अपना तराजू ले आए, ये कितना लाइट वेट है, ओनली 147 ग्राम एंड जनरली मोबाइल 200-180 ग्राम के बीच आते हैं, तो उससे तो हल्का ही है। वहीं अगर पावर बैंक को चेक करें तो 276 ग्राम, मतलब ये पावर बैंक का भी हाफ वेट है एंड इजिली आप इसको अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हो। इसका ओवरऑल बिल्ड एक्रेलिक का है, जो कि कभी कभी शीशे के काम भी आएगा। बिल्ड क्वालिटी एकदम फाइन एंड सॉलिड चीज है। इसके टॉप पे येबर की ब्रांडिंग और यहाँ पे आपको सारे टच कंट्रोल मिल जाते हैं। अगर आप रिमोट भी यूज नहीं करना चाह रहे तो इससे कम्प्लीटली कंट्रोल हो जाएगा। मोबाइल फोन की तरह पावर एंड वॉल्यूम की साइड में दी है, यहाँ पे दिया है एक फोकस डायल। पीछे की साइड आपको एयर वेंटिलेशन ग्रिल मिल रही है, ऑब्वियस है DLP प्रोजेक्टर है तो एयर इनटेक चाहिएगा। ये वाली साइड बिल्कुल खाली है एंड इसके टॉप पे है एयर एग्जॉस्ट ग्रिल और साइड में है IR रिसीवर इसके रिमोट के लिए एंड यहाँ पे है इसका प्रोजेक्टर लैंप। बॉटम पर आओगे तो दो Type C पोर्ट, जिसमें एक पावर के लिए और दूसरा है आपके डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एंड ये है 1.5 वोल्ट के स्पीकर। इसका आउटपुट सुनो, तो यार इसका ऑडियो अनएक्सपेक्टेडली अमेजिंग है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बट ये एक फ्लैगशिप मोबाइल फोन वाली ऑडियो आउटपुट दे रहा है एंड सही में लाउड भी है। देन यहाँ पे मिनी HDMI पोर्ट, इसके साथ आप अपना कोई भी HDMI वाला डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन आता है कि फायर टीवी स्टिक या रियलमी स्टिक कैसे कनेक्ट होगी, उसमें तो ऑलरेडी HDMI आती है। उसके लिए छोटा सा सॉकेट आएगा जिसकी कॉस्टिंग इज अराउंड 129 रुपीज, बीच में लग जाता है आपके फायर टीवी स्टिक और इस केबल के, और आप मस्त यूज कर पाओ। मैं भी तो कर रहा हूँ। एक बार ये सब तामझाम हटाता हूँ और इसकी क्विक स्पेक्स एंड पिक्चर क्वालिटी पे आता हूँ। देखो इसके हार्डवेयर में आपको 540p का नेटिव रिजोल्यूशन मिलता है, 1080p ये सपोर्ट करता है। आउट ऑफ द बॉक्स इनबिल्ट Android 9 मिल रहा है, 1GB रैम, 32GB की स्टोरेज, क्वाड-कोर CPU, एक मस्त सा GPU, डुअल बैंड वाईफाई के साथ, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, 110 NC lumens की ब्राइटनेस, 3000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी ऑफर करता है। ऑटो लाइन एंड ऑटो की स्टोन जैसे एडवांस फीचर एंड जो आपको एक बड़े प्रोजेक्टर में मिलता है वो सब कुछ तो मिल ही रहा है, उसके ऊपर से आपको एक टच कंट्रोल भी, वो भी मोबाइल साइज में। तो देखो येबर क्लेम करता है कि 30 इंच से 120 इंच तक का स्क्रीन बनाएगा एंड जब मैंने इसको ट्राई किया तो 120 इंच का स्क्रीन तो ये बना देता है, लेकिन आपको चाहिए डार्क इन्वायरमेंट, क्योंकि 110 एनसी ल्यूमेंस है तो आप भी समझ सकते हो कि डार्क इन्वायरमेंट में ही आपको ये बेस्ट क्वालिटी ऑफर करेगा। लेकिन अगर आप इसको लाइटिंग इन्वायरमेंट में यूज करना है तो अप टू 45-50 इंच तक का स्क्रीन आपको एकदम मस्त दिखता है एंड येबर ने क्लेम किया था कि मिनिमम स्क्रीन साइज जो रहने वाला है वो 30 इंच है, लेकिन मेरी टेस्टिंग में ये 5 इंच तक भी चला गया एंड टॉप नॉच क्वालिटी। होता है ना कि कहीं तंबू लगाया हुआ है, कैंपिंग पे गए हो तो वहां पे मस्त काम करेगा क्योंकि पावर बैंक पे चल जाता है, अलग से कोई जनरेटर इन्वर्टर की तो जरूरत है ही नहीं। ब्राइटनेस के मामले में मैं ये कहूंगा कि बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो 70-75 इंच का स्क्रीन बनाओ, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाएंगी। अब देखो ये एक DLP प्रोजेक्टर है, 3000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो है, डायनामिक रेंज हो, डीप ब्लैक्स हो, सब कुछ आपको एकदम एप्रोप्रिएट मिल रहा है। द प्लस पॉइंट इज की कलर एक्यूरेसी बहुत हाई है, आपको कलर्स में शिफ्टिंग नहीं देखने को मिलती और इस प्रोजेक्टर के साथ कोई मोशन ब्लर या फिर फ्रेम ड्रॉप का इशू नहीं है। वीडियोज या कॉन्टेंट बहुत स्मूथली चलता है। मैं अगर आपको एक फाइनल वर्डिक्ट दूं तो 40-43 इंच के स्क्रीन साइज पे अगर आप इसको यूज कर रहे हो डार्क इन्वायरमेंट में तो ये आपको टीवी वाला फील दे देगा। काफी लोगों को लग रहा होगा कि यार 540p का नेटिव रिजोल्यूशन है तो ऑब्वियस है बड़े बड़े पिक्सल्स दिख रहे होंगे। स्क्रीन आपके सामने है, 540p का नेटिव रिजोल्यूशन है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा स्क्रीन बनाओगे तब आपको ये चीज फेस होगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि अगर आप 70-75 इंच का स्क्रीन मैक्सिमम बना रहे हो या फिर 40-43 पे चला रहे हो तो वो चीज नोटिस ही नहीं होती एंड उसका शार्पनेस पे भी कोई फर्क नहीं आता। जब शार्पनेस की बात आई है तो कॉर्नर ब्लर या फिर कोई टेक्स्ट पढ़ने में कोई दिक्कत ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका ऑटो कीस्टोन, ऑटो अलाइन फीचर आपको एकदम प्रॉपर शार्पर पिक्चर क्वालिटी देता है विदाउट एनी कॉर्नर ब्लर और विदाउट एनी डी फोकस। बाकी फोकस करने के लिए इधर व्हील दिया है जो कि काफी कन्वीनियंट है और बहुत इजिली फोकस कर लेता है। अब अगर इसके इनबिल्ट एंड्रॉइड पे आए तो एंड्रॉइड 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है। इसमें आपको काफी सारी एप्स लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम मिल रहा है। तो मैंने नेटफ्लिक्स लॉगिन करके देखा कि चलेगा भी या नहीं, यार एकदम प्रॉपर चलता है। एंड मुझे तो वो वाला फील आ रहा है कि 2014 में गैलेक्सी बीम आया था जिसमें इनबिल्ट प्रोजेक्टर था, बट वो इतना पावरफुल नहीं था जितना ये है। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक मोबाइल साइज में आपको प्रोजेक्टर मिल रहा है जिसको आप कहीं भी कभी भी चला सकते हो और सारी इनबिल्ट सुविधाएं सेवाएं मिल रही है लाइक मीराकास्ट, एप्पल एयरप्ले जो कि काफी स्मूथली चलता है। मैंने पहले तो मीराकास्ट ट्राई किया अपने एंड्रॉइड फोन से, कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं आ रहे थे, प्रॉपर ऑडियो आ रही थी विदाउट एनी अनसिंक बोलेंगे, मैंने गलत बोल दिया, मतलब कि ऑडियो वीडियो एकदम प्रॉपर्ली सिंक रहता है। एंड सेम चीज आपके एप्पल डिवाइसेस के साथ रहती है, चाहे आप अपना आईपैड, आईफोन कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो तो प्रॉपर कास्टिंग ये कर देता है। देन अगर और फीचर्स चाहिए और ज्यादा एप्स चाहिए तो प्ले स्टोर और इनबिल्ट एप स्टोर मिल रहा है। काफी सारी एप्स है आपके एंड्रॉइड टीवी वाली जो कि ये प्रोजेक्टर सारी सपोर्ट करता है। 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है तो बहुत सारी एप्स आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। एंड मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्टर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बहुत ज्यादा घूमते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन होती है या फिर कहीं भी जा रहे हो स्क्रीन चाहिए ही चाहिए, मतलब तंबू में पड़े हो, दैट मींस कैंपिंग कर रहे हो, वहां पे भी टेंट के कैनवस पे चल जाएगा। तो ये एक प्रॉपर पोर्टेबल प्लग एंड प्ले डिवाइस है, सिर्फ पावर बैंक से पावर दो, बाकी सारा एंटरटेनमेंट का खजाना इसी के अंदर है। और अगर आपको प्रेजेंटेशन के लिए पेन ड्राइव यूज करनी पड़ती है तो आप एक Type A to Type C कन्वर्टर लेके इसके Type C पोर्ट पे पेन ड्राइव भी लगा सकते हो। और एंड्रॉइड फोन आपके पास ऑब्वियसली होगा तो OTG केबल तो पड़ी होगी ना, वो लगा लेना। देखो ये काफी यूनिक एंड कूल सा गैजेट है। वैसे प्राइसिंग भी इसकी कूल है, अप्रोक्स 30,000 रुपीज, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 30,000 का प्राइस सुनते ही आपके मुंह से निकला होगा अरे बाबा। देखो DLP प्रोजेक्टर है, कॉम्पैक्ट है और बड़े प्रोजेक्टर में जो फीचर्स आते हैं वो सारे के सारे इसमें और कुछ एक्स्ट्रा भी लाइक टच है, पावर बैंक से चलता है, इनबिल्ट क्रिस्प स्पीकर है। यार डब्बे में इतनी सारी एक्सेसरीज आती है, देखो मेरे हिसाब से तो ये कंप्लीटली वर्थ है। बाकी डिसीजन आपका है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। बाकी इसका जो परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो देखो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यार सब कर देना, इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन रेस्पेक्ट द टेक।